When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. Hello everyone, welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, अभी विंटर्स चल रही हैं और पता है आपको मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी और काफ़ी टाइम हो चुका है मेरी, मतलब खांसी होते हुए, और लगभग मुझे लग रहा है मैं 16 तारीख में शादी में गई थी, उसके बाद आने के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। और मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया था, काफ़ी डॉक्टरों की दवाई भी कर चुकी थी और घर पर भी दवाई ले चुकी थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर ना पता है क्या, मुझे ना आराम लगा जो थोड़ा सा आराम लगा मुझे लगा देसी दवाइयों से। तो देसी दवाइयाँ क्या होती है, जो हम घर पर करते हैं। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी बचपन में, मतलब मेरी मम्मी थी, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, पापा को अदरक दिया करती थी। तो अदरक किस तरीके से दिया करती थी वो मैं देखा करती थी, क्योंकि पापा को ना अक्सर खांसी हुआ करती थी। तो जब पापा को खांसी हुआ करती थी तो मम्मी उनके लिए अदरक का हलवा बनाया करती थी, और वो जो बनाती थी तो मैं उनसे देखती थी और उनको ना आराम भी मिलता था उससे। और वो चीज़ मैं ट्राई कर चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हो कि मुझे अब इतनी खांसी नहीं उठ रही है जितनी कि पहले उठती थी। वॉइस ओवर करने में या फिर आप लोगों से बातें करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो अब इतनी नहीं है। तो वो मैंने बनाई थी, तो अभी मुझे 2 दिन ही हुए उसे लेते हुए, लेकिन 2 दिन में मुझे काफ़ी फर्क नज़र आया है उसको लेने के बाद। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और पीछे से वॉइस आ रही होगी मेरे बेटे की, क्योंकि वो खेल रहा है मेरे आसपास ही। उसे मैं कहीं भी बाहर अकेले नहीं भेज सकती, क्योंकि बच्चा छोटा है तो अभी वो अकेले कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए प्लीज़ उसकी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा और मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, और आप लोग ना इसे ज़रूर ट्राई करके रखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी ऐसी है, मतलब अदरक का हलवा जो मैं बता रही हूँ आपको, ये ऐसी है कि आप इसे 8 से 10 दिन रखकर आराम से खा सकते हो, ले सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज बनाया और आज ही ख़त्म कर दिया। तो इसको लेने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा, वो सब मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अदरक का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अदरक को धोकर छील लिया था, और उसके बाद उसे कद्दूकस किया। और देखिए, अदरक ये मेरी लगभग 250 ग्राम के आसपास थी, और दूध भी 1 से 1.5 किलो के आसपास है। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो दूध और अदरक भी, जितना आपको रखना है उतना आप बना सकते हो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा दूध लिया है और ज़्यादा अदरक लिया है। और ये देखिए, मेरा दूध इधर पकने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, ताकि दूध मेरा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और दूध जब मेरा गाढ़ा हो गया तो मैंने इसमें अदरक डाल दी थी, जो भी मैंने कद्दूकस किया था। और अदरक डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि अदरक का रस ना निकाल लें, क्योंकि अदरक का रस अगर आप निकाल लोगे तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो दूध के अंदर नहीं मिक्स हो पाएंगे, और उस काढ़े का कोई, मतलब उस हलवे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अदरक ऐसे ही डालना है आपको, रस के साथ ही, है ना। और उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथ से चलाते रहना है बीच बीच में। और देखिए ना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता रहेगा धीरे धीरे। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी हैं, और क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा केसर, और केसर ये MDH का है, और ये मिल जाता है मेडिकल स्टोर पर आराम से, और बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि केसर ना गर्म होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा केसर डाल रही थी इसके अंदर। तो केसर के ना 2-4 पत्ते ही काफ़ी होते हैं, तो ये केसर के पत्ते आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पर हल्दी भी डाल सकते हो, क्योंकि क्या ना, हल्दी भी खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा डाल दिया केसर। उसके बाद मैंने इसमें इलायची डाली थी थोड़ी सी, आप चाहे तो इसमें बादाम भी डाल सकते हो थोड़ी सी, आपको जो सही लगे वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद इसको चला दें हल्का हल्का सा, और जब ये खदकने लगे अच्छे से तो इसको इसी तरह से चलाते रहें धीरे धीरे, है ना। तो ये केसर मैंने डाल दिया था, केसर डालने के बाद ये ना अपने आप ही कलर आ जाएगा इसमें थोड़ी देर बाद। और ये देखिए, रबड़ी हमारी बनने वाली है, रबड़ी जैसा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा हलवा जैसे तैयार हो गया है। ये देखिए, रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। जब हमारी ये रबड़ी तैयार हो जाए तो हमें ना इसमें गरम गरम में ही चीनी डाल देनी है, और चीनी डालने के बाद इसको थोड़ी देर और चलाना है, और जब ये बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसे एक कंटेनर में भर के रख लें।
और इसको 8 से 10 दिन आप लोग आराम से खा सकते हो। आप इसे सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ लें या फिर ऐसे ही ले सकते हैं जब भी आपका मन करे। तो ये हलवा बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करता है खांसी में, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। और बहुत आराम से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है इसको, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तैयार करने में। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।